हेलो एवरीवन, पिछला व्लॉग मेरा तिरुपति के बारे में था और आज मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगी पौंडीचेरी। तिरुपति से हमारा जो था पौंडीचेरी तक का रास्ता बाय रोड, हमने उसको कवर किया। 7 से 8 घंटे का रास्ता था और ये हमारा पौंडीचेरी में फर्स्ट डे है जहां मैं आपको लेके आई हूँ फ्रेंच कॉलोनी यहाँ की। जैसे कि मैं आपको बताती चलूं कि पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच पीपल के अंडर रहा है, अंग्रेज़ों के अंडर नहीं रहा, तो यहाँ पे फ्रेंच कल्चर का ज़्यादा असर हमें देखने को मिला। बहुत कलरफुल बिल्डिंग्स थी, सब अलग-अलग कलर की। बहुत ही प्यारा सा एक व्यू लगता है जब हम इस फ्रेंच कॉलोनी में घूम रहे होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अलग अलग कलर हैं यहाँ पर। पौंडीचेरी में जो है कैफे कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो उनमें से ही आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ एक कैफे जहाँ हमने अपने कुछ स्नैक्स और इवनिंग टी कॉफ़ी वगैरह लिया। ऐसे ही रहने दो, इसी पे ये स्पीकर पे। कैफ़े से कुछ रिफ़्रेशमेंट लेकर के अब हम आए हैं यहीं पास में ही, रॉक बीच पड़ता है। तो ये सारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये यहाँ रॉक बीच है जहाँ पे बहुत ब्लैक कलर की रॉक्स पड़ी हुई हैं और बीच है वहाँ पे। तो ये सारा जो सीन है ये वहाँ के रॉक बीच का है जहाँ हमने काफ़ी एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और सबसे एक बड़ी बात जो हमने यहाँ पे देखा कि यूफोरिया ग्रुप आए हुए थे, उनकी यहाँ शूटिंग चल रही थी म्यूज़िक वीडियो की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये है रॉक बीच, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लैक कलर की रॉक्स पड़ी हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो इसको बहुत अच्छा एक लुक देते हैं। और इसके सामने ही ये रोड है जिसको कि प्रोमिनोड रोड कहा जाता है। ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पर लोग जॉगिंग वॉकिंग अपने पेट्स को लेकर के तो यहाँ पे घूमते हुए नज़र आते हैं हमें। और ये पास में ही लोकल एक मार्केट बनी हुई है जहाँ पर आप कुछ लोकल वहाँ की हैंडमेड चीज़ें या सोवनियर वगैरह ले सकते हैं।
और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की मेन मार्केट पौंडीचेरी की। यहाँ पर भी हर तरह के आपको शोरूम्स, बाहर के भी और लोकल के भी और फ्रेंच पीपल के भी यहाँ पे काफ़ी शोरूम्स देखने को मिले। और इस तरह हमारा सारा दिन बहुत बिजी रहा और अब रात का टाइम है, हम अपने होटल में आ चुके हैं। ये हमारे होटल का नाइट व्यू है, ली पौंडी यहाँ का होटल है जहाँ हम लोगों ने 3 नाइट का स्टे लिया था। तो इसका डे व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बीच प्रॉपर्टी है ये, बीच भी इनका अपना प्राइवेट बीच है। तो ये सारा रिसेप्शन एरिया है यहाँ का और ये एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ ग्लास का ब्रिज बना हुआ है जो होटल और रिसेप्शन को रेस्टोरेंट को जोड़ता है। तो इसके ऊपर चल करके हमें रेस्टोरेंट जाना होता था, तो ये लाइटिंग के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। ये है रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू। ये भी जैसे कह सकते हैं कि फ्रेंच कल्चर के अंडर ही बना हुआ है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे बैठ कर के जब हम डिनर या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका फूड था, लोकल आइटम्स, साथ में दूसरी कॉन्टिनेंटल, हर तरह का फूड यहाँ पे मिल रहा था। जैसे आप सब देख रहे हैं, खाना बहुत ही अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लोकल कुजीन भी इनके बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से हमारा आज का दिन बीता बहुत ही अच्छा। और नेक्स्ट डे का हमने क्या क्या किया वो आप देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नए एक ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।